अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में, लत्ते फाड़ देंगे। योगी जी, आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहां छपवा लो, हम तो फिर भी ना रोके। अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी। हाय लो, आम आदमी कह रहा काले कानून, जुबान पे लग गई बात, जो जुबान पे रट लग गई। अब आप वहां लग दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो, किसान नहीं मान रहे इस कानून को, कुछ पाड़ देंगे। आप ही पीछे हट जाओ मोदी जी, ये जिद छोड़ दो, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे। यूपी में लोकतंत्र नहीं बच रहा, यहां न्याय नहीं मिलता किसी को, गाड़ी में बैठा के गाड़ी पलटा दी जाती है। ये वही करना चाहते थे, चौहान साहब ने उस बात को पहचाना और रोका, और आपकी हिम्मत, आप खड़े हो गए तब से। चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे बड़ौत में पंचायत हुई हो, चाहे मथुरा में हुई हो, बिजनौर में हुई हो, और आज भैंसवाल में आप आए, आप इस सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हो। बड़ी पंचायत में कह रहा हूं, फैसला ले लो, ये सरकार आपको भाव नहीं दे रही, अगले चुनाव में आप भी इन्हें भाव मत देना बिल्कुल भी। ये मिलेगा, इनका इलाज हुई है, राजनीति से ही होगा। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको।